नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। कांग्रेस ने एक दिन पहले न्याय योजना का ऐलान किया था और टारगेट ये किया था कि देश की आबादी के 20% लोगों को वो न्यूनतम आय की गारंटी देगी और न्यूनतम आय का जो पैमाना माना था वो 12,000 माना था पर मंथ, यानी कि जिस किसी की आमदनी 12,000 रुपये नहीं होगी वो बीच के गैप की भरपाई करेगी। लेकिन ये अभी क्लियर नहीं हो पा रहा था कि आखिरकार कांग्रेस की इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या है, कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, वो टारगेट किसको करना चाहती है। इसको लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कुछ क्लियर करने की पोजीशन उन्होंने कोशिश की। उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो पैसा होगा, ये दो चीज़ें उन्होंने क्लेरिफाई किया है कि एक तो ये जो अटकलबाजी चल रही है या इस बात को लेकर विरोध हो रहा है कि जो अभी तक स्कीमें चल रही हैं देश में, 950 सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम देश में चल रही है, उसमें से कोई कटौती नहीं होगी, कोई सब्सिडी कम नहीं किया जाएगा। यानी कि उन्होंने एक बात ये क्लियर कर दी कि जो भी स्कीम चल रही है उससे अलग ये एकदम इसकी स्कीम होगी और पहले वाली स्कीम में कोई कटौती नहीं होगी, एक बात। दूसरी उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कही है कि ये जो पैसा है, ये जो गैप है, जिस फैमिली को भी दिया जाएगा जिसकी 12,000 की आमदनी नहीं होगी महीने की, साल में 72,000 रुपये के जो दिया जाना है वो उस फैमिली के महिला के खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी कि उन्होंने ये एकदम क्लियर कर दिया, पुरुष के खाते में नहीं, महिला के खाते में। अब इसके पीछे कांग्रेस की क्या सोच हो सकती है? तो देश में इस समय लगभग 90 करोड़ मतदाता हैं, इसमें से आधे से थोड़ा सा कम महिला मतदाताओं की संख्या है। तो सीधा सीधा जो टारगेट किया जा रहा है, जो उनका टारगेट है वो महिलाओं को लेकर के हैं। एक बात और आपको बता दें कि अभी भी पार्लियामेंट में महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा यानी कि संसद में जो है आरक्षण देने का जो बिल है वो पेंडिंग है और यूपीए के रिजिम से ही पेंडिंग है। उसको भी लेकर के बीच बीच में कांग्रेस आवाज़ उसको लेकर के उठाती रहती है। ये बात अलग है कि अभी तक वो पास नहीं हो पाया है और अब उसने एक तरह से इस चुनाव में ये जो 6,000 रुपये देने की घोषणा की है उसको लेकर के महिला कार्ड चल दिया, यानी कि आधी मतदाताओं को सीधे सीधे कांग्रेस ने टारगेट किया है। तो ये उस स्कीम के पीछे कांग्रेस की सोच, अभी उसको घोषणा पत्र में जगह दी जानी है, उसमें शायद कुछ और क्लेरिफाई करे, क्योंकि इसके लिए जो बजट की बात हो रही वो अभी भी क्लियर नहीं। कहा जा रहा है कि साल में पूरे साल में जो है 3,60,000 करोड़ की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जो महीने का खर्चा है वो कम से कम 30,000 करोड़ का आएगा। लेकिन ये भी अभी फ्लक्चुएट इसलिए करेगा कि ये तो अभी ठीक से काउंटिंग ही नहीं हो कि 20% आबादी गरीबी रेखा के नीचे है कि 25% है कि 24% है कि 22% है। तो बहुत कुछ अभी वैरी करेगा। जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आगे आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।